तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आयाम सेलमोम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, खाना पीना मेरा हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आज खाने में क्या बना था। खा लिया था तो मैं बाद में खा रही थी, उस टाइम में सूट नहीं कर पाई क्योंकि बाबू बहुत तंग। तो आज खाने में ये देखिए, आज बना था अंडा। तो मम्मी पापा तो नहीं खाते हैं, हम चार भाई बहन थे और दो तीन और थे। तो आज अंडा पार्टी चली है। तो उसमें थी रोटी और ये खीरे का सलाद और उसके बाद चावल, यही सब था। मायके का तो सही बात है, मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी को तो देखने आई हूँ बट अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आके। बहुत दिनों बाद आई हूँ यहाँ पर। ये दोस्तों, मैंने अपना भी खाना निकाल लिया है और जा रही हूँ मैं अब खाना खाने। खाना खा के आपसे अब बात करती हूँ। तो देखा आपने कि आज खाने में क्या क्या बना था। तो भाई की फरमाइश थी कि कुछ अपने तरफ से बनाओ। तो सोचा चलो क्या खाओगे, तो उसने कुछ और ही बोला था। तो मुझे कुछ खाने का मन था तो मैंने उसको बोला, तो बोला ठीक है तुम जो तुमको जो खाने का मन है वही मंगा दो। तो सभी तो हमसे छोटा है, कोई हमसे बड़ा तो है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो आज अंडा पार्टी। में दो और दो भाई, मतलब भाई है ना तो उसके बेटे बेटी है, तो वो सब थे। हम चार भाई बहन और वो मतलब भाई के बेटा और बेटी दो थे। बस मम्मी पापा नहीं खाते हैं ना, और सच बात है नहीं आके नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है मैं, पता नहीं फिर कब आऊँगी। अभी तो देखती हूँ कितने दिन रह पाती हूँ। और मम्मी तो कुछ ठीक ही है और रिपोर्ट तो आ गई है। बस वही है, रिपोर्ट में ब्लड की कमी बताई हुई है। उसको ज़्यादा केयर की अब ज़रूरत है। उसको टाइम टेबल खाना है, पड़ेगा ही खाना, क्योंकि ना उसको मतलब मेडिसिन जो वो लेती है तो एक मतलब सुबह दोपहर और रात का तीन टाइम का है। तो उस हिसाब से उसको खाना भी खाना पड़ेगा, तभी मेडिसिन असर करने वाली है, ऐसा कहा डॉक्टर ने। तो वो देखती हूँ मैं कितने दिन यहाँ पे रह पाऊँगी और कोशिश करूँगी अपने मायके के कुछ कुछ अच्छे अच्छे मतलब जहाँ मैं पूजा करने जाऊँगी एक दो दिन के बाद, वो भी आपको दिखाऊँगी हमारा यहाँ का मंदिर कितना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। दिखाऊँगी आप लोगों को भी अपना मंदिर। और बाबू तो मेरा यहाँ पे तो वहाँ तो सो जाता था, यहाँ तो सोता ही नहीं है। यहाँ पे मतलब इतने सारे लोग हैं हमारे आंगन में, यहाँ पे ये खेलते खेलते खेलता ही रह जाता है सोने का, तो इसके पास नाम नहीं है। ज़बरदस्ती मैं इसको सुलाती हूँ रोज। तो मेरी भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, आप लोगों को आवाज़ से ही पता चल रही होगी तबीयत सही नहीं है। और मैं कल गई थी अपनी दोस्त के पास, तो आप लोगों ने वो बोला ब्लॉग जिसने इसने नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, और शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला है वो भी प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ सबका ब्लॉग देखने की, क्योंकि यहाँ पर मैं आई हूँ तो मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो सारा घर का काम मुझे यहाँ का खुद से करना पड़ रहा है। मम्मी को कुछ भी नहीं करने दे रही हूँ, इसलिए अगर किसी के ब्लॉग में नहीं आ पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ लाइक शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। I'm not gonna lie.